तो हम आज बात करेंगे सागवान के हित के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट परमिशन के। वैसे चंदन हो, सागवान हो या फिर मिलियड हो, सबको एक कॉमन प्रोसेस होता है गवर्नमेंट परमिशन लेने की। सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद यदि आप सागवान की खेती करते हो तो तीन चीजें बहुत मायने रखती है। पहला सॉइल, सॉइल का पीएच और उसमें कैल्शियम की मात्रा। दूसरा सिंचाई यानी वाटर इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए। और तीसरा होता है पर्नी। इसके अलावा हम इसके इंटरक्रॉप के बारे में बात करेंगे, यानी इसके बीच आप कौन सी फसल लगा सकते हो या फिर कैसे लगा सकते हो। साथ ही हम इसकी इन्वायरमेंट पे भी बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे मार्केट और आउटकम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट परमिशन के लिए। वैसे तो पेड़ लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ पेड़ कट करने के लिए या बेचने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप पेड़ लगा लीजिए, उसके 3-4 साल बाद जब वो ग्रो हो जाते हैं और ऐसे वक्त जब उन्हें काफी कम देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे वक्त में पटवारी या लेखपाल की तरफ से हमें उन पेड़ों को मेंशन करना होता है हमारे जमीन के 7-12 पे। उसके बाद जब वो पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं यानी 14 से 15 साल बाद, तो हमें कटाई छटाई के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज करानी होती है रीजनल फॉरेस्ट्री ऑफिस में। उसके बाद रीजनल फॉरेस्ट्री ऑफिस से एक अफसर भेजा जाएगा जांच पड़ताल के लिए, आपको आपके फील्ड को विजिट करेगा, उस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराएगा। उस रिपोर्ट को आपको स्थानीय वन अधिकारी के पास सौंप देना होता है। जब उसके पास से परमिशन मिल जाती है तो आप अपना कटाई छटाई का काम या बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। सागवान की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून का होता है, खास करके पहले बारिश का होता है। पौधे लगाने से पहले आपको अपनी जमीन को एक लेवल में करना होता है और साथ में उसकी अच्छी जुताई भी होनी चाहिए। आप 45 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर ये अप्रोक्स वैल्यू है। आप अपने हिसाब से गड्ढे की खुदाई कीजिए, उसमें बायोफर्टिलाइजर ऐड कीजिए, उसके बाद उसमें खाद ऐड कीजिए। खाद में आप गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसमें साथ में फंगीसाइड ऐड कीजिए। हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, जैसे चंदन और मिलियड में हमने उसमें एनपीके ऐड किया था, वैसे एनपीके का काम ये होता है कि वो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है। लेकिन आप एनपीके की जगह फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बाद में कंटिन्यू 3 साल तक के हमें पौधे को एनपीके देना जरूरी होता है, खासकर बारिश के मौसम में। जैसे बारिश के मौसम में एनपीके डालोगे तभी प्लांट का ग्रोथ होगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा और आपने एनपीके डाल दिया तो ऐसे में चांसेस होता है कि प्लांट मुरझा जाता है या फिर मर जाता है। जमीन की उर्वरकता देखते हुए आपको अगस्त से सितंबर के मौसम में खासकर बीच बीच मात्रा में अलग अलग मात्रा में खाद डालना जरूरी होता है। इसके अलावा शुरुआती सालों में आप खरपतवार हटाने का काम करेंगे तो इसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जैसे जंगली तुलसी घास फूस ये आ जाते हैं, तो शुरुआती सालों में इनको हटाना जरूरी होता है। इसके अलावा जमीन की गुड़ाई गिराई भी हो तो ये बहुत अच्छा विकास होता है। गुड़ाई गिराई के लिए आपको पहले साल में 1 बार, दूसरे साल में 2 बार और तीसरे साल में 3 बार, ये राउंड फिगर है लेकिन आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हैं। इसमें सागवान के जो पौधे होते हैं वो काफी अच्छे ग्रो करते हैं, वो स्ट्रेट ग्रो होते हैं। पौधों के बीच की दूरी लगभग 2 मीटर 3 मीटर आप ऐसे रख सकते हो, लेकिन आपको यदि सागवान सैंडलवुड के साथ पोस्ट प्लांट में लगाना हो तो लगभग इसकी जो सैंडलवुड के साथ डिस्टेंस होता है वो 5 फुट का होता है और जो दूसरे सागवान के साथ डिस्टेंस होता है वो 10 फुट का होता है। जैसे एक सैंडलवुड, फिर सागवान, फिर सैंडलवुड, फिर सागवान, इस तरह आप सागवान के साथ सैंडलवुड की खेती कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको सिर्फ सागवान लगाना हो तो रिकमेंडेड स्पेस जो होती है वो 5 मीटर या 3 मीटर होती है। सागवान की खेती में मिट्टी बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में इसकी पैदावार काफी अच्छी होती है, लेकिन इसके विपरीत अल्मीय मिट्टी जिसका पीएच 6 से कम हो या फिर रेतीली मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी जिसमें पानी रुकता हो, ऐसी जो मिट्टी होती है उसमें सागवान की खेती को काफी तरह नुकसान हो सकता है। हमें जो सागवान की खेती में जमीन का पीएच चाहिए होता है वो 6.5 से ऊपर चाहिए होता है। यदि जमीन का पीएच 6.5 से नीचे हो तो इसके विकास पर असर पड़ता है। इसके अलावा सागवान के अच्छी लंबाई और चौड़ाई के लिए हमें जमीन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। सागवान की खेती में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा 1200 से 2500 एमएम वाले बारिश के इलाकों में भी इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है। चंदन की तरह ये भी इसको हेवी लाइट की डिमांड होती है। आपको ये भी सवाल आता होगा कि अब हम मिट्टी का पीएच कैसे चेक करेंगे, तो कोई
घबराने की बात नहीं है, अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जो हम जिसमें हम मिट्टी का पीएच चेक करेंगे, वो भी बिना इंस्ट्रूमेंट के। नियमित तौर पे सिंचाई और छटाई से जो पौधे की तने की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। खासकर सिंचाई, आपको सिंचाई के बारे में बात करनी हो तो गर्मी के मौसम में आपको एक पेड़ को मिनिमम 4 लीटर पानी दिन का देना होता है। वही बात ठंडी के मौसम की जाए तो मिनिमम 1 से 2 लीटर तक के आपको पानी देना होता है। वही बरसात के मौसम में आप अपने हिसाब से पानी दे सकते हैं, या फिर आप अंतराल, 1 दिन के अंतराल या 2 दिन के अंतराल में भी इसको पानी दे सकते हैं। जैसे आपने 1 दिन के अंतराल में इसको पानी देना चाहा तो आपको मिनिमम 8 लीटर पानी एक पेड़ को देना जरूरी होता है। वैसे तो ज़्यादा सिंचाई में सागवान के पेड़ काफ़ी तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी साथ इसके अंदर जो रसदार लकड़ी की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे में सागवान के पेड़ का जो तना होता है वो कमजोर हो जाता है और हवा उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ ज़्यादा सिंचाई के वक्त सागवान के पेड़ के अंदर जो पानी के फफोले बनना शुरू हो जाता है, ऐसे वक्त पानी के फफोले बनना शुरू हो जाते हैं। ये बाहर से तो दिखने में मजबूत दिखता है, लेकिन पानी के जमाव की वजह से अंदर इन्हें फंगस ग्रो कर देती है, जिसके बदले अंदर की जो लकड़ी होती है, पेड़ होते हैं, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये पानी के फफोले से ये थोड़ा इसका पेड़ का डैमेज हुआ है। ऐसे इसलिए जो सिंचाई होती है वो आपको प्रॉपर करनी चाहिए। यदि बात पर्निंग की करें तो पहले से ज्यादा काटछाट या फिर काटछाट में देरी, ये दोनों चीजों में इसके विकास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आमतौर पे सागवान की खेती के बारे में जैसे पेड़ लगाओगे तो इसकी पहली जो कटाई छटाई होती है वो 5वें साल में की जाती है। इसके बाद जो दूसरी कटाई छटाई करती है वो 10वें साल में की जाती है। जैसे आपने सिर्फ सागवान के पेड़ लगाए हो जैसे 2 मीटर या 3 मीटर में, तो आप 5 साल में इसकी कटाई करना जरूरी होता है। जैसे आप देख सकते हो इस पौधे में ये जो ब्रांचेस निकल के आई है इसको कटाई छटाई नहीं की गई, इसलिए इसकी जो ग्रोथ हुई है वो जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। इसके अलावा आप जो पीछे वाला पेड़ देख सकते हो उसकी ब्रांचेस कटाई छटाई हो चुकी है, तो इसमें जो पेड़ होगा वो स्ट्रेट ग्रो किया है, इसलिए प्रॉपर पर्निंग जरूरी होती है। वैसे तो पर्निंग पेड़ अलग अलग पेड़ के प्रजातियों पर निर्भर करते हैं। जैसे मिलिया डुबिया के केस में उसके हाइट पर डिपेंड करते हैं। जैसे 14 से 13 फीट का जब हाइट बढ़ जाती है मिलिया डुबिया की, तब उसको ब्रांचेस आती है, तब हमें उसकी पर्निंग करनी होती है। इसके केस में ये ईयर पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह जैसे चंदन के केस में, रेड सैंडलवुड के केस में, ये स्टार्टिंग में पहले 2 साल में ही करना होता है। जब से उसको छोटी सी ईयर में जैसे नीचे से ब्रांचेस आती है उसको ग्रोथ को कम कर देती है, इसी वक्त हमें नीचे से भी ब्रांचेस कट करनी होती है। ये चंदन के केस में शुरुआती 3 सालों तक आप इसमें इंटरक्रॉप फसल ले सकते हैं। सागवान की खेती के बीच गेहूँ, धान, मक्का, तिल और मिर्च के साथ साथ सब्जी की खेती भी की जाती है। जैसे हमने लगाया है, आप देख सकते हैं ये हमारी तरफ हमने जो लगाया वो इंटरक्रॉप है, लेकिन हमने सागवान के पेड़ नहीं लगाए, हमने मिलिया डुबिया के लगाए। लेकिन मिलिया डुबिया के जगह सागवान के पेड़ हो और ये सेम कैटेगरी होती है, सेम इसी तरीके से आपको इंटरक्रॉप करना होता है। लेकिन कुछ फसलें हैं जैसे गन्ना, केला, जूट, कपास, कद्दू, खीरा, इनकी खेती सागवान के साथ नहीं की जा सकती। सागवान के पेड़ को कंप्लीट ग्रो करने के लिए कम से कम 14 से 15 साल का वक्त लगता है। 14 साल में ये सागवान का पेड़ हमें लगभग 10 से 15 क्यूबिक फीट की लकड़ी देता है। इसके अलावा जो इसकी हाइट बढ़ जाती है वो लगभग 25 से 30 फुट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है, और इसके जो तना होता है उसके तने की चौड़ाई लगभग 35 से 45 इंच हो सकती है। यदि सागवान और मिलिया डुबिया में आप कंपैरिजन करने के लिए बोले तो मैं कहूँगा कि दोनों ही पेड़ बहुत अच्छे हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म प्लान करनी हो जैसे 14 से 15 साल, और यदि आप सैंडलवुड के साथ सागवान को होस्ट में लगाना चाहते हो तो फिर आपके लिए सागवान ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि सैंडलवुड में आपको 1 एकड़ में लगभग 3 से 3.5 करोड़ का प्रॉफिट होता है। वही सागवान में ये प्रॉफिट 1.5 से 2 करोड़ या ज़्यादा भी हो सकता है। और लेकिन यदि आपको पैसों की जरूरत कम समय में हो, जैसे लगता है कि आपको 5 साल में या 8 साल में पैसों की जरूरत है या फिर पैसे चाहिए, तो आप मिलिया डुबिया को प्रेफर कीजिए। कैसे होता है कि मिलिया डुबिया की कंप्लीट ग्रोथ होने में सिर्फ 8 साल लग जाते हैं, वही सागवान की कंप्लीट ग्रोथ होने में आपको 14 साल या 15 साल रुकना ही होता है। मिलिया डुबिया को आप 3 साल में भी कट कर सकते हो, 5 साल में भी कट कर सकते हो, या फिर 8 साल में तो टिम्बर पर्पस के लिए कट हो ही जाता है।
तो ऐसे में मीलिया डुबे भी आपको अच्छा इनकम देता है, वो इनकम थोड़ा कम देता है, जैसे 25 लाख से 40 लाख तक की उसका पर एकड़ के हिसाब से इनकम आता है, लेकिन आपको कम समय में यदि पैसा चाहिए हो तो आप मीलिया डुबे को प्रेफर कीजिए, और आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म हो जैसे सैंडलवुड के साथ तो आप सागवान को प्रेफर कीजिए। और आखिर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो मार्केट है, कि सागवान की ट्री को हमें मार्केट में कितना रेट मिलता है। तो जनरली बता दूं कि सागवान को अब करंट मार्केट प्राइस है वो है 3000 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से। वैसे सागवान का ट्री 10 से 15 क्यूबिक फीट की लकड़ी तैयार करता है। तो जैसे मैंने थंबनेल में बताया था आपको, मिनिमम 1 करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ये आपको अब कैलकुलेशन के तौर पर बताता हूँ। एक पेड़ से हमें लगभग 10 से 15 क्यूबिक फीट की लकड़ी मिलती है, मिनिमम 10 फीट की लकड़ी क्यूबिक फीट की लकड़ी लेके चलिए, एक क्यूबिक फीट के पीछे हमें 3000 रुपये मिलते हैं। वही 10 क्यूबिक फीट की लकड़ी के पीछे हमें 30000 रुपये मिलेंगे, यानी एक पेड़ से हमें लगभग 30000 का प्रॉफिट होता है। वैसे आप 1 एकड़ में पेड़ लगाने जाओ तो लगभग 400 पेड़ लग जाते हैं, तो 400 पेड़ के हिसाब से, एक पेड़ के हिसाब से 30000, तो 400 पेड़ के हिसाब से लगभग 1,20,00,000 रुपये होते हैं। ये आपका पर एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट होता है। इसको आप बेचना चाहो तो स्थानीय टिम्बर मार्केट है वहाँ भी आप इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है बे बैंक योजना, उसके तौर पे भी आप इसको, इसकी लकड़ी को बेच सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मैंने चंदन और मीलिया डुबे पे भी ऐसी वीडियो बनाई रखी है, वो आप जाके चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था, हम अगले वीडियो में सॉइल का पीएच कैसे चेक करें इन तरीकों पे बात करेंगे। मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसमें हम सॉइल का पीएच चेक कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं।